Hey everybody, welcome back to my channel Rajvi Fitness Series. This is me, Rajvi Sisodia, and today we are going to talk about the most questionable question. Most of the people are facing the same problem, either they are in young age or they are in older age. जिम जाने वाले हैं, जिम नहीं जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बच्चों की भी प्रॉब्लम है, जो 16, 17, 18 साल के हैं या जो बहुत टाइम से जिम कर रहे हैं, लेडीज की भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है. बेली फैट, हाउ टू रिमूव बेली फैट. बहुत सारे लोगों ने एक चीज आई एम श्योर फेस की होगी कि पूरी बॉडी का उनका जो फैट होता है वो चला जाता है, लेकिन हमारी जो नेवल के नीचे जो फैट होता है बेली फैट, वो नहीं जाता. तो वो क्यों नहीं जाता, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज. बहुत सारे आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, हाउ टू रिमूव बेली फैट इन 7 days, हाउ टू रिमूव बेली फैट इन 1 week, हाउ टू रिमूव बेली फैट इन 2 weeks. सो गाइस, मुझे तो झूठ बोलना आता नहीं है, आप लोग सारे मुझे जानते हो. मैं किसी को ना गुमराह कर सकता हूँ, ना किसी के साथ झूठ बोल सकता हूँ. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 90 डेज का है. आप लोगों को बताया मैंने शुरू में चैनल बनाया था, ये जो मेरी फोटो आपने बाहर देखी होगी ये 90 डेज पहले की है. 90 डेज पहले की नहीं, अब तो मुझे काफ़ी दिन हो गए बॉडी को बनाए हुए, दोबारा ट्रांसफॉर्म किए. तो ये सितंबर की फ़ोटो है और दिसंबर में मेरी जो ये जो राइट वाली फ़ोटो थी ये दिसंबर की थी. तो 90 डेज में मेरा बेली फैट गायब हो गया था. और चैनल पर कैसे मैंने किया था, कितने दिन वर्कआउट किया था, 90 डेज वर्कआउट किया था, हर दिन की वीडियो डाली थी, डाइट प्रोग्राम डाले थे, वर्कआउट प्रोग्राम डाले थे, क्योंकि उस टाइम थोड़ा मोटा था तो लोगों ने बात सुनी नहीं थी, सारे लोगों ने मजाक बनाया था. जब मैं डाइट की वीडियोस बना रहा था तो आधे लोगों ने मुझे ये बोला था, साले तो खुद तो मोटा है, हमें क्या, हमारा क्या बेली फैट गायब करवाएगा या हमारे क्या सिक्स पैक एब्स बनवाएगा. तो अभी थोड़े कंडीशन में ठीक हूँ, तो आई होप आप लोग मेरी बातें सुनोगे. तो गाइज, बेली फैट क्या है, ये जो स्टबन फैट है ये क्या है, जो हमने बहुत टाइम से इतना सारा उल्टा सीधा खाया है और अभी हम ये सोचते हैं कि ये हफ्ते दो हफ्ते में गायब हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता. इसके लिए प्रॉपर आपको एक प्रोग्राम अपना डिज़ाइन करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले बात करेंगे हमें अपनी डाइट क्या रखनी है इफ़ वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ बेली फैट. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमारी जो बॉडी होती है वो 2000 कैलोरीज पर डे बर्न करती है खुद पे खुद. मैं यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ तो भी मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है, मैं ये शेकर से पानी पी रहा हूँ तो भी मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है, मैं उठ के नीचे कार तक जाऊँगा तो भी मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है. आइदर यू डू वर्कआउट और नॉट, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप रात को सो रहे हो और सांसें ले रहे हो तो भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है. 2000 कैलोरीज पर डे आपकी बॉडी बर्न करती है. दूसरी चीज़, जब आप खाना खा रहे हो, आधे लोग क्या कर रहे हैं कि वो सारा सारा टाइम भूखे रहते हैं. सुबह दो ब्राउन ब्रेड खा लिए, दोपहर को दो बिस्किट खा लिए या दो अंडे खा लिए, शाम को थोड़े से फ्रूट्स खा लिए, दैट्स इट. ये उनकी डाइट है. क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू रिमूव देयर बेली फैट या दे वॉन्ट टू रिमूव देयर बॉडी फैट. ऐसे नहीं होता है गाइज. अगर आपकी बॉडी पर डे 2000 कैलोरीज बर्न कर रही है और आपको अगर आपकी बॉडी 2000 कैलोरीज बर्न कर रही है तो आपको खानी कितनी कैलोरीज है. अगर आप जिम जाते हैं 2000 कैलोरीज आपकी बॉडी ने बर्न की हैं, 200, 300, 400 कैलोरीज आप जिम के अंदर भी बर्न करोगे, मतलब कि दिन की मोटी मोटी 2300 कैलोरी मान लीजिए, 2300 कैलोरीज आपने पर डे बर्न कर दी. थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं बेसिक्स क्लियर करने की मेरी आदत है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं हर चीज़ को छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ ताकि जो एजुकेटेड लोग हैं उनको तो सारी चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन जो लोग कभी स्कूल नहीं गए या कॉलेज नहीं गए, बॉडी बनाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है. हर इंसान का मन होता है बॉडी बनाने का, बहुत से लोगों के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं नहीं पढ़ाई कर पाते. तो मैं चाहता हूँ कि वो जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं. तो हमने 2300-2400 कैलोरीज पर डे बर्न की है. अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा. ना आप किसी कोच के चक्कर में पड़िए, ना किसी ट्रेनर के चक्कर में पड़िए, ना मेरे जैसे किसी यूट्यूबर के चक्कर में पड़िए. दैट्स माई प्रॉमिस. आप अपने खुद डाइटिशियन हो सकते हैं, आप अपने खुद ट्रेनर हो सकते हैं, क्योंकि लिखी हुई डाइट चार्ट कभी कोई फॉलो नहीं कर पाता, ये मैं लिख के आपको दे सकता हूँ. तो आपने क्या करना है, आपकी बॉडी को आपने कैलकुलेट करना है, 2000 कैलोरीज बॉडी बर्न करेगी, 300-400 आपने जितनी भी बर्न की है अपने जिम के अंदर उससे लेस कैलोरीज खानी है. 2300 आपने कैलोरीज बर्न की हैं तो आपने खानी है 1900 या 2000 कैलोरीज. शुरू में एकदम से खाना ड्रॉप नहीं कर देना, वरना बॉडी में वीकनेस आ जाती है और आप वर्कआउट भी नहीं कर पाते हो. अभी हम वर्कआउट की भी बात करेंगे, पहले हम डाइट की बात कर लें. अब आपको होमवर्क क्या करना है, आप किसी के चक्कर में मत पड़िए. यू हैव द बिगेस्ट टूल इन द वर्ल्ड, दैट इज़ गूगल. आप गूगल करिए अंडे के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं, 250 ग्राम चिकन के अंदर, क्योंकि जितने भी फिटनेस ट्रेनर हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, सारे लोग यही करते हैं,
गूगल से पढ़ते हैं, देन आपको यहाँ आके लेक्चर देते हैं, आपको लगता है सबको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हमने भी पढ़ाई की है, जब हमने पढ़ाई की है तो वो बहुत सी हेल्प हमने गूगल की मिली है, तो आप क्यों नहीं वो चीज़ कर सकते। आप पढ़ाई कीजिए कि आप जब जो जो आप खाना खा रहे हैं, 250 ग्राम दलिया खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है, स्प्राउट्स खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है। तो आपने सारा दिन खाना खाना है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू कंज्यूम कैलोरीज मोर देन 2000। 1900, 1800, 1700 कैलोरीज खानी है तो 2300 आपकी बॉडी ने कैलोरीज बर्न की है और 1900 आपने खा ली है, तो कितना कैलोरीज डेफिसिट गए आप, मतलब हिंदी में बोले तो कितनी कैलोरीज आपने पर डे घटा दी, 400 कैलोरीज। डे वन आपने 400 कैलोरीज कम खाई है, डे टू आपने 500 कैलोरीज कम खाई है, डे थ्री आपने 600 कैलोरीज कम खाई है, धीरे 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 धीरे। और किसने कहा घी नहीं खाना, दूध नहीं खाना, पिज्ज़ा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना। जब आप डेफिसिट में जा रहे हो, तो पूरे हफ्ते आपने कम कैलोरीज खाइए, एक दिन आप ज़्यादा खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एक लाइफ मिली है, इसको बॉडी के चक्कर में बर्बाद नहीं करने देना है। खाना भी है और अच्छा खाना है और अपने हिसाब से खाना है। 300, 400, 500 कैलोरीज आप डेफिसिट में जाओगे तो आपका डे वन से वेट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, वेट परसेंटेज आपका कम हो रहा है। अगर आपका बेली फैट है दैट मीन्स आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है। आप कुछ लोगों को लगता है डोला तो मेरा ठीक है, छाती तो मेरी ठीक है, पर बॉडी पे फैट तो है ना, तुम तो खा मांग यही कह रहे हो। अगर आपका बेली फैट है दैट मीन्स आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज ज़्यादा है। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे जिमों में मशीन्स नहीं होती हैं कैलकुलेट करने के लिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपके ऊपर बेली फैट है तो आपका बॉडी पर फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो आपको ओवरऑल फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसी दुनिया में ना तो कोई दवाई बनी है, ना ही कोई वर्कआउट बना है जो कि एक टारगेटेड एरिया को कम कर दे कि मैं दवाई खाऊं और मेरी बेली बेली चले जाए, या मैं वर्कआउट करूं मेरी बेली बेली चले जाए। नहीं, आपको पूरा ओवरऑल फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। अब आती है वर्कआउट की बात। वर्कआउट कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बेली फैट है, बॉडी पे फैट है, बस डोले बनाने में लगे हुए हैं, चेस्ट बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन नहीं, कार्डियो कौन करेगा? कार्डियो तो कर नहीं रहे हो, क्योंकि कार्डियो लगता है बोरिंग, कौन दौड़े पागलों की तरह, कौन साइकिलिंग करे पागलों की तरह, कौन ट्रेनिंग करे पागलों की तरह। तो गाइज सबसे पहली प्रायोरिटी, मैंने 90 डेज की जो सीरीज बनाई थी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वर्कआउट मैंने दिया हुआ है 90 डेज का, कैसे वर्कआउट करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना वर्कआउट आपको कैसे फॉलो करना है। आपने सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है अपना कार्डियो, 1 से 1.5 घंटा आपको कार्डियो पर डे चाहिए ही चाहिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो एटलीस्ट 40 मिनट 50 मिनट 30 मिनट कार्डियो ज़रूर करें दिन में। वेट ट्रेनिंग कुछ दिन के लिए भूल जाइए, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है वरना आपकी मसल्स लूज हो जाएंगे, लटक जाएंगे, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी कार्डियो होनी चाहिए। कार्डियो करेंगे देन अपना एप्स का वर्कआउट बराबर करेंगे, देन उसके बाद थर्ड चीज़ होती है आप 3-3 एक्सरसाइज भी करेंगे ना एक बॉडी पार्ट की तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कार्डियो इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर दोज हु वांट टू रिमूव देयर फैट। तो गाइस अगर आप लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही है घूमी फिरी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा 90 डेज में मैंने कैसे अपनी बेली को गायब करके सिक्स पैक एप्स बनाए थे, वो भी इतने रिप्ड, आधे लोगों को झूठ भी लगा, लेकिन जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि 90 डेज में ही ये सब हुआ था और आप भी कर सकते हैं। मैंने 90 डेज में किया तो आप 120 डेज में कर सकते हैं, मैंने 3 महीने में किया तो आप 4 में कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट था बहुत पहले से बॉडी बिल्डिंग में था तो मैंने 90 दिन में कर दिया। अगर आप अभी भी बोलेंगे कि तूने तो कर दिया होगा, आप 3 महीने में नहीं कर सकते तो 4 में कर सकते हैं, 4 में नहीं तो 5 में कर सकते हैं। ये चीज़ आप भूल जाइए कि आप हफ्ते में 20 दिन में 30 दिन में इसको कर सकते हैं, दिस इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल। कोई आपको पागल बनाता है तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता और आप पागल बनते हो तो, लेकिन इट टेक्स टाइम। सो गाइस ये तो हो गई वर्कआउट की बात। वर्कआउट में आपने क्या करना है, कार्डियो ज़्यादा करना है, सुपर सेट्स लगाने हैं। आप मेरा पुराना प्रोग्राम फॉलो कीजिए, कोई फीस नहीं है, सब कुछ फ्री है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हुई भी है, ट्रस्ट मी। आप मेरा इंस्टाग्राम राजवीर फिटनेस सीरीज सेम नाम से अकाउंट है, हाईलाइट्स देख लीजिए, 10-15-20 लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जिनकी इतनी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि आप देख के जाओगे और आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाइट का भी मैं डाल दूंगा। डाइट में आपने क्या करना है, प्रोटीन थोड़ा हाई रखना है और कार्ब्स थोड़ा सा कट करना है, बिल्कुल जीरो नहीं करना, थोड़ा सा कट करना है। आधे लोगों को ये लगता है हम एप्स मारते रहेंगे तो हमारी टायर गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कोई आपको हेल्प करेगी हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट एंड दूसरा आपका कार्डियो। कार्डियो आप जितना ज़्यादा करेंगे, कैलोरीज आप जितनी ज़्यादा बर्न करेंगे, रिमेंबर दैट थिंग जो मैंने बताई है, 2000 कैलोरीज
से नीचे नीचे आपको खानी है और 2000 से मैक्सिमम आपको बर्न करनी है, तो वो आप देख लीजिए। ये सीधा सीधा फंडा है बेली फैट या बॉडी फैट को गायब करने का। बेली फैट तभी गायब होगा जब आपका ओवरऑल बॉडी फैट बॉडी से कट होगा। तो गाइस ये था वीडियो बेली फैट हटाने के लिए। जो लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत दिन से मैसेज कर रहे हैं, और जो लोग मुझे गेनिंग सीरीज फॉलो जिन लोगों ने करी है, जो लोग ये परेशान हो रहे हैं कि सर हम थोड़े थोड़े मोटे भी हो गए हैं, अब क्या करें, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आने वाला है। मैं भी मोटा हो गया हूँ। गेनिंग हम सब लोगों ने सारे में साथ की है ना, तो जब मैं बॉडी श्रेड करूंगा तो आपकी भी बॉडी श्रेड होगी। मैं अकेले कुछ नहीं करने वाला। जब मैं बॉडी श्रेड पे जाऊंगा तो मैं डाइट क्या लेने वाला हूँ, सप्लीमेंट्स क्या लेने वाला हूँ और वर्कआउट कैसे करने वाला हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा थोड़ा थोड़ा फैट आ गया या हमारा पेट मोटा हो गया। जहाँ तक आपकी गेंस है वहाँ तक उसको रोक के रखें। और बेली फैट की जो बात थी, फैट परसेंटेज शॉर्ट में बताता हूँ। कैलरीज हमें 2000 से कम खानी है, 2000 से ज़्यादा बर्न करनी है, और कार्डियो हमें ज़्यादा करना है, और वेट ट्रेनिंग हमें थोड़ी सी कम करनी है। ज़्यादा कर सकते तो ज़्यादा करें, जो लोग बिगिनर्स हैं वो थोड़ी कम करें, कार्डियो पर ज़्यादा ध्यान दें। जब आप कार्डियो पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका पूरा बॉडी फैट जाना शुरू हो जाएगा, और अब जब आप मसल ट्रेनिंग करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे, तो उससे थोड़ी थोड़ी आपकी मसल टाइटनिंग होनी शुरू हो जाएगी। देन आप देखेंगे कि आपकी बॉडी से सारा फैट गायब हो गया, चाहे वो बेली फैट हो, चाहे वो फेस फैट हो, चाहे वो साइड टायर्स हो, चाहे वो चेस्ट फैट हो, कुछ भी हो, जब आप कार्डियो करेंगे तो सारी चीज़ें जानी गायब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था वीडियो बेली फैट के ऊपर, मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया था 90 डेज में। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एक वीडियो का कि 90 डेज की सीरीज मेरी कैसे फॉलो करनी है, उसको आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बेली फैट 90 डेज की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मेरा प्रोग्राम फॉलो कीजिए और 90 डेज में योर बेली विल गेट रिमूव्ड परमानेंटली। थैंक यू गाइज, ये था वीडियो बेली फैट के ऊपर। तो अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो उन लोगों के लिए आने वाला है जो लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी थोड़ी सी बेली है और हमारे बाइसेप्स भी नहीं है, तो हम बेली कम करें या गेन करें, बॉडी स्लिम करें या गेन करें। तो गाइज इंस्टाग्राम आईडी नीचे है, जिन लोगों को फॉलो करना है फॉलो करें, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना टक्कर में, बाय।